नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए। अमीरात में भी पेश किया रुपे कार्ड। अबू धाबी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बाजार में रुपे कार्ड को पेश कर दिया है, जिससे यहां की बहुत सी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी भारत के इस डिजिटल भुगतान कार्ड से खरीद की जा सकती है। संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया का पहला देश बन गया जिसने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की भारतीय प्रणाली को अपनाया है। भारत इससे पहले सिंगापुर और भूटान में रुपे कार्ड को शुरू कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, भारत और यूएई की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के और नजदीक लाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में यूएई में आधिकारिक तौर पर रुपे कार्ड को पेश किया गया। खाड़ी देशों में यूएई पहला देश है जिसने भारतीय रुपे कार्ड को अपनाया है। यूएई की कई कंपनियों ने रुपे भुगतान को स्वीकार करने की बात की है। यूएई में भारतीय राजदूत नवदीप सिंह सूरी ने इससे पहले इस सप्ताह में कहा, यूएई इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और आकर्षक व्यावसायिक केंद्र है। इस क्षेत्र रहने वाले भारतीय समुदाय के सबसे अधिक लोग यही यूएई में रहते हैं। सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक यही आते हैं और इस सबसे ज्यादा व्यापार भारत के साथ है। इस क्षेत्र में रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाला पहला देश बनने के साथ हम उम्मीद करते हैं कि इससे पर्यटन, व्यापार तथा भारतीय समुदाय, इनमें से सबको लाभ होगा। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 2018 में करीब 60 अरब डॉलर का रहा। मोदी फ्रांस, यूएई और बहरीन की तीन देशों की यात्रा के क्रम में शुक्रवार को पेरिस से यहां पहुंचे। एक्शन।